हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। और अभी मैं जा रहा हूँ जॉब पे, सो सुबह सुबह रेडी होके नहा के अभी निकल पड़ा हूँ। और टाइम हो रहा है 9:45, सो मैं 10 बजे तक पहुँच जाऊँगा। टाइमिंग है ऑफिस का 10 बजे, सो चलो निकलते हैं। और आज भी नाश्ता नहीं किया मैंने, तो देखते हैं सुबह में सुबह सुबह क्या मिलता है। पीछे एक वड़ा पाव का शॉप था, छोटा सा स्टॉल, मैं वहाँ पे देखा तो सिर्फ वड़ा पाव ही था, तो मैंने कुछ खाया नहीं, पूछा ही नहीं मैंने। तो यहाँ पे यही मिलता है यार, यही समस्या है। और इसके पहले जहाँ पे ऑफिस था दूसरी जगह, वहाँ पे सब कुछ मिलता था, मतलब कि खाने का कुछ प्रॉब्लम नहीं था। बट यहाँ पर दिक्कत है क्योंकि ऑफिस शिफ्ट हो गया है हमारा पिछले 2-3 महीनों से, सो इसके लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। मेरा बाल ऐसा क्यों हो रहा है? नहाने के बाद मैं कंघी नहीं करता हूँ, एक्चुअली ऐसे ही रखता हूँ, सूख जाता है फिर ऐसे हो जाता है कर्ली टाइप का। सो देखते हैं आगे क्या है, आगे क्या मिलता है। तो कुछ तो बिक रहा है क्या है? आलू कुछ है खाने के लिए? कुछ खाने के लिए है क्या? है वड़ा पाव बनाओ क्या? बन गया है? टाइम लगेगा? बाप रे। सो गाइस, मैं वहाँ पे पूछा तो बोल रहा था कि बनाना पड़ेगा, टाइम लगेगा। तो मैंने बोला मेरे पास टाइम नहीं है, वो बोला 10 मिनट तो लगेगा कम से कम, बोला इतना टाइम तो नहीं है। तो मैं वापस आ गया और मैं कुछ खाया नहीं नाश्ते में, सो अभी देखते हैं। तो अभी डायरेक्ट करूँगा मैं लंच का टाइम, और फ़िलहाल मैं खा लेता हूँ, एक चॉकलेट है मेरे पास, तो फ़िलहाल चॉकलेट से काम चलाता हूँ। हे गाइस, मैं आ चुका हूँ बाहर और अभी हो गया है लंच का टाइम। एक्चुअली लेट हो गया, आज पहले निकलना चाहिए था, बट थोड़ा काम से बाहर चला गया था मैं। सो अभी आ रहा हूँ, जस्ट फेस वॉश किया, उसको मैंने पोछा भी नहीं, और अभी जा रहा हूँ खाने के लिए। सो देखते हैं, खाना खाते हैं पहले। बहुत तेज़ भूख लगी है, गर्मी बहुत है और भूख लगी है बहुत तेज़। सुबह में नाश्ता नहीं किया था मैं, बिना नाश्ते का हूँ, सो अभी भूख लग गई है काफ़ी तेज़। पहले खाना खाते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। सो गाइस, मैं लंच कर लिया और लंच करके अभी जा रहा हूँ वापस। सो मैंने रोटी और सब्जी खाया है, और आज लेट हो गया था, आई थिंक 2:45 होने को है। तो मैं फटाफट जाता हूँ, काम भी बहुत है और धूप भी बहुत है, और इतना गर्मी, गर्म था और तीखा भी था, तो और ज़्यादा ये हो गया, पूरा पसीना हो गया मेरे को खा के। फटाफट पहुँचता हूँ और मिलता हूँ आपसे शाम को। सो गाइस, मैं आया हूँ ऑफिस से बाहर, थोड़ा काम है, तो मतलब पास में ही एक मार्केट है, यहाँ पे कुछ काम था तो मैं आया हूँ। और आज जो है शाम को इतनी तेज़ बारिश हुई है यहाँ पे, बहुत तेज़ बारिश हुई है, और आते समय बहुत सारे पेड़ जो हैं रोड पे गिर चुके थे, और जो काम से आया था अभी वो हुआ नहीं है। मैं किसी का वेट कर रहा हूँ, उसको कुछ डॉक्यूमेंट्स देना है। सो अभी मैं बाहर हूँ और बारिश अभी बंद है। ये रहा, देखो पेड़ गिरा है यहाँ पे, एक पत्ते वत्ते गिरे हैं, इधर भी गिरे हैं, और पूरा बारिश हुआ था दबा के, काफ़ी तेज़ बारिश हुई थी, मतलब पूरा पानी लग गया था। अभी तो बंद हो गया है, आधे घंटे से बंद है। ये देखो पेड़ गिर के, पेड़ टूट गया है हवा से और टूट के गिर गया है नीचे, इतना अच्छा पेड़ था, यहाँ से टूट गया सीधे यहाँ से। और भी बहुत सारे पेड़ टूटे हैं इस एरिया में, इधर भी, और आगे भी टूटा रहेगा शायद। सो गाइस, मैं निकल चुका हूँ, जस्ट निकला अभी और जा रहा हूँ वापस। सो मैंने देखा है आपको पेड़ गिर गया एक, और भी आगे बहुत सारे गिरे रहेंगे। पक्षी है जो कि मर गया है, पता नहीं कैसे मरा है, गिर के मरा है, हवा से चोट लग गया है, पता नहीं। गाइस, मैं आपको दिखाता हूँ कितने सारे पेड़ गिरे हैं रोड पर, और यहाँ पे कटिंग वटिंग चालू है, मतलब रोड जो है खाली किया जा रहा है, उसको पूरा रोड ब्लॉक हो गया है। मैं ऑफिस से जस्ट निकला हूँ अभी और जा रहा हूँ वापस, तो रास्ते में एक यहाँ पे भी पेड़ गिरा हुआ है और उसको कटिंग चालू है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। गाड़ी वाड़ी आया है और ये रोड पर क्लियर कर रहे हैं, मतलब ब्लॉक हो गया था ये पूरा। ये देखो पूरा
इधर भी पूरा पेड़ गिर गया है और आगे भी एक पेड़ गिरा हुआ है, बहुत सारा पेड़ गिरा है, देख सकते हो पूरा। और इसकी कटिंग चालू है, इसको काट वाट के पूरा लेके जाएंगे। भाई साहब इतना पेड़ गिरा है मैं बता नहीं सकता। एक और पेड़ दिखाता हूँ जो पूरा जड़ से ही उखड़ गया है पूरा, और ये भी रोड ब्लॉक करके रखा है। देखो ये इतना बड़ा पेड़ था और ये देखो इसका जड़ यहाँ से सीधे उखड़ा है, और ये भी पेडेस्टल बना हुआ था और ये पूरा उखड़ के और पूरा रोड पे आ गया है। बहुत सारा पेड़ गिरा है, इतना तेज हवा था। सो दोस्तों देखा आपने, बहुत सारा पेड़ गिरा हुआ है, बहुत ज़्यादा गिर गया है, इतनी तेज़ हवा थी कि मतलब गिरना ही था। सो हर जगह रोड जो है ब्लॉक हो चुका है और काम चालू है, उसको छोटा छोटा कट पीस करके उसको रोड को खाली कर रहे हैं वो लोग जो म्यूनसिपैलिटी वाले हैं, तो अपना गाड़ी लेके आए हैं और कटिंग कर रहे हैं उसको। बहुत जगह गिरा है, हर जगह गिरा है, और ये मानसून, ये फर्स्ट बारिश था मानसून का, फर्स्ट बारिश। सो ये हालत है। मैं भी अभी जा रहा हूँ, पहुँचता हूँ, उसके बाद कपड़ा चेंज करेंगे और जिम जाने की तैयारी करेंगे। तो मैं पहुँचता हूँ, आगे पार्क है, पार्क में क्या स्थिति है वो भी दिखाएंगे, अगर वहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ होगा तो। सो गाइस, मैंने आपको जो पार्क दिखाया था रात में दिखाया था, लास्ट ब्लॉग में मैंने आपको रात में दिखाया था पार्क, तो आपको समझ में नहीं आया होगा। दिन में बारिश हो गया है तो बारिश में पूरा पानी लग गया है, मैं आपको दिखाता हूँ, पूरा पानी लग गया है, घूमने लायक नहीं आज। ये देखो पूरा कौवा वगैरह सब आ गया है, पूरा पार्क में पानी लग गया है, पार्क में पानी लग गया है, और आज ना घूमने लायक है ना बैठने लायक है, पूरा गीला हो जाएगा कपड़ा, देख सकते हो हर जगह लग गया है। इधर तो लगा ही है, इधर भी लग गया, इसमें तो पानी पूरा जमा हो गया, बच्चे खेल रहे हैं। ये देखो पार्क की हालत, बच्चे खेल रहे हैं पानी के अंदर, भाई साहब इतना ज़्यादा पानी आ गया है, पूरा नदी हो गया, नदी देख सकते हो, स्विमिंग पूल बन गया है। सो गाइस, आज पार्क कम, स्विमिंग पूल ज़्यादा दिख रहा है, पूरा पानी लग गया है और बच्चे भी खेल रहे हैं उसमें, और बाकी जहाँ बैठने की जगह होता है वहाँ पे तो पानी लग गया है, बहुत सारे कौवा देखने को मिला है आज। सो दोस्तों मैं जा रहा हूँ जिम, मैं रूम पे आने के बाद फटाफट कपड़ा चेंज किया और अभी जा रहा हूँ जिम, और रोड जो है पूरा कचरा हो गया, किचकिच हो गया है पूरा, पता नहीं लाइट भी होगा कि नहीं जिम के अंदर, देखते हैं। सो गाइस, मैं आ गया हूँ जिम और अभी जा रहा हूँ जिम के अंदर, तो एक घंटा वर्कआउट करूँगा, वर्कआउट करने के बाद फिर मैं यहाँ से जाऊँगा। आज थोड़ा गर्मी कम है तो मज़ा आएगा जिम करने में। सो गाइस, मैं जिम से बाहर आ गया हूँ और मार्केट में हूँ, आया हूँ केला खाने के लिए, तो बारिश हुआ है तो बहुत भीड़ है मार्केट में, और मैं एक अंकल है यहीं पे आता हूँ केला खाने के लिए, तो अभी केला देंगे। ये अंकल है और ये केला है, तीन केला मैंने लिया है, और केला खाने के बाद फिर मैं यहाँ से जाऊँगा। सो गाइस, वर्कआउट से आने के बाद मैं चला गया था मार्केट और मैं केला वाला खाया, उसके बाद आया, कपड़े चेंज किया, फिर खाना वाना बनाया, और खाना बनाने के बाद अभी जस्ट खाना खा के बाहर आ रहा हूँ टहलने के लिए। सो ये था आज का ब्लॉग, आपसे मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय एंड गुड नाइट।